यार चैनल। ये देखिए गाइस, आज ये लखनऊ की हमारी टीम आई हुई है, लखनऊ की रवि भाई की टीम आई है। क्लब कौन सा रवि भाई आज अपना? यंग काइट क्लब। यंग काइट क्लब है। प्लेयर कौन कौन से जो लड़ा रहे हैं? प्लेयर हमारे अल्ताफ है, अल्ताफ हमारे, ये आलम छोटे भाई हमारे, हाँ ये भी हमारे छोटे भाई हैं, सैफ सैफ, और जो आगे लड़ा रहा है सफात, वो भी छोटा भाई, सफात वो लड़ा रहा है। आज तीसरा दिन का गेम है ना? तीसरा दिन का गेम है। दो दिन का गेम कह रहा, फर्स्ट गेम हम लोग का इंटरनेशनल से लड़ा, वो 6 टिकट से जीते। कल हम लोग का गोल्डन से लड़ा, उनसे हम लोग 3 टिकट से जीते। एनएस इंटरनेशनल। अच्छा एनएस, जो भी मतलब तीन दो दिन जो आपने काट हुआ, तीसरा दिन आज लड़ रहा है अपना। आज हमारा लड़ पावरफुल पावरफुल, जो कि मंजे वालों की टीम है, खन्ना की टीम है, जो खन्ना की टीम, खन्ना की टीम से लड़ रहा, उनसे भी मिलवाएंगे आपको अभी। मंजे वगैरह दिखाओगे फिर आज? देखिए बिल्कुल देखिए। ये किसका? अच्छा अजीम का 7 स्टार। 7 स्टार। और पतंग किसकी बन जा रहे हो? जी बरेली की है, बरेली की। फरद भाई की? फरद भाई, फरद भाई की पतंग मांगने जाते हुए। ये देखिए 3 दिन से डोर लड़ा रहे हम। और ये पावर की डोर है। अच्छा हाँ, पावर की डोर, बहुत ही अच्छी डोर लड़ा रही है। तीनों दिन हमने इसी से अरशद खान। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, अरशद खान की है पावर। क्या रिजल्ट रहा आपका? बढ़िया रिजल्ट रहा। कितने का हुआ बंडल? ये वाला 1800 रुपए का बंडल। और ये बशीर बेग? बशीर बेग, ये तो नामी है, चलो इनको। और छुटका यासीन है, छुटका यासीन लड़ा रहे हैं। महंगे महंगे मंजे लड़ा रहे हो, कोई सस्ता मंजा और नहीं लड़ा रहे हो? सस्ता भी लड़ा रहे हैं। सस्ता कौन सा है? सस्ते का रिजल्ट बताओ। ये कितने का है? ये 1700 रुपए। क्या रिजल्ट इसका? बहुत बढ़िया रिजल्ट। लड़ाई है? लड़ाई है, 6 भी काटे हैं, 7वें पे टूट टूट के चला गया। अच्छा, और आज जो गेम कितने बजे तक का ये बताओ? गेम तो हमारे शाम तक लड़ेगा, अजानों तक ही। अच्छा मतलब ज्यादा जल्दी नहीं है, जाना नहीं है आज पार्टी में? पार्टी में नहीं, पार्टी में पार्टी तो होती रहती है। अच्छा पार्टी होती रहती है। पार्टी जो है इनकी, जो लोकल का ऑल इंडिया, सॉरी लोकल का, जो लोकल का टूर्नामेंट हमारा बाहुबली ने जीता था, आज पार्टी है। हाँ, और यश भाई का फोन आया था। इन्हीं भाई साहब ने कराया था, हमारे रवि भाई ने कराया था एकाना से। यश भाई हमारे छोटा भाई हमारा, वो फर्स्ट आए थे अनिल भाई हमारे। हाँ, और हमारे जो सबका फोन आया था कि आइएगा आप जरूर, तो हमने कोशिश करेंगे 12:30 बजे तक रात में पहुंचने की लखनऊ। चलो आज जो है अजानों तक गेम लड़ेगा इनका। और ये फतेहगंज के मैदान से ही लड़ रहा, देख ली फतेहगंज का मैदान, ये रहा पुरवाई में हवा है, पुरवाई ये रही, पुरवाई में हवा चलती हुई, हवा बहुत शानदार है। बाकी आपको खन्ना की टीम से मिलवाते हैं और पेज भी दिखाएंगे आपको अभी। ये देखिए भाई ऊपर का पेड़ लड़ा रहे हैं, व्हाइट सब्दी बनी हुई इनके हाथ में, हवा बहुत शानदार है, धारे की बढ़िया शानदार हवा चलती है यहाँ पर। चेहरे की तरफ लेके लड़ा है, दोबारा होने लगा। तो भैया ये रहा है खन्ना भाई, अपने टीम का नाम बता दो। खन्ना भाई अपनी पावरफुल, पावरफुल है। कप्तान कौन है? कप्तान हमारे हैं सलमान भाई, और वाइस कैप्टन जो है वो सुमित भाई। सुमित भाई। प्लेयर कौन कौन से जो लड़ा रहे हैं? ये कौन भाई, कौन लड़ा रहे? मोविन भाई लड़ा रहे हैं। मोविन भाई, फरमान भाई लड़ा रहे हैं। कौन कौन? फरमान भाई, फरमान, और ये जो है गुड्डू भाई है। गुड्डू भाई, और ये हमारे मुन्ना भाई है। गुड्डू भाई, मुन्ना भाई, और कोई? याकूब भाई, याकूब जो कि आजम के अड्डे पे काम करते हैं। और कोई मेंबर लड़ाने वाला? कौन कौन? छोटू आ रहा है। छोटू, छोटू, छोटू आ रहा है। छोटू, छोटू पी के उस्ताद, वो पी के अच्छा अच्छा भाई। ये पतंग बना तू किसकी? पैदान। अच्छा चलो, बाकी आपको पेज की वीडियो दिखाते हैं। वो रहा यासीन नाम है उसका ना, वो पीछे बैठा है, वो याकूब, याकूब सॉरी, हाँ याकूब। हवा बहुत शानदार है, पुरवाई में हवा है। ये किसकी पतंग थी? बड़ी रखी हुई पतंग है इनके पास ये। तो एक भाई ये रहा है पावरफुल के मेंबर, क्या नाम है अपना? छोटू भाई, बहुत बढ़िया शानदार पे लड़ाते हैं भाई यार। फर्स्ट राउंड था, सेकंड राउंड था जो इस्लामी में लड़ रहा था, ऑल ऑल पे
ऑल ऑल पे काटा था, बढ़िया पेज लड़ाते हैं, बढ़िया खिलाड़ी भी हैं और मंजे वाले भी हैं। इतने राउंड में भी पहुंचते नहीं, हमारे खंडा भाई थोड़ा गर्म में पहुंच गए। अच्छा हाँ, तो चक्कर में कटवा दिया। अच्छा कटवा दिया, चलो कोई नहीं, आज आज देखते हैं भैया, आज इनका पेज देखेंगे, बड़े शानदार पेज लड़ाते हैं भैया। तो ये देख लीजिए, ये देखिए उनके रवि भाई की पतंगे देखते हैं। ये साजिद भाई, साजिद भाई, साजिद चुन्नू, साजिद चुन्नू, ये हमारे तो आप जानते ही यूट्यूबर हैं। नाम लो, क्या नाम है? शाहबाज भाई, ये उन्हीं की पतंगे हैं, बहुत शानदार पतंगे। पतंग का कोई जवाब नहीं, ये हमारे 56 उस्ताद की, 56 भाई जी। यार ये पतंगे मलड़ाना, ये रख लेना है, तो अब तो उनकी यादगारें रहेंगी। वही तो कह रहे हैं, यादगार चीज है यार, उनको तो उड़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता यार। ये राजू लंगर जी की है, वहीं के जी, लखनऊ की है। जैसे लखनऊ के पुरानी पुरानी थोड़ा थोड़ा हल्का सा बैग निकाल के एक उधर बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये देवराज जी की है, लखनऊ की है। ये मुरादाबाद की, ये मुरादाबाद की किसकी है? कारीगर दिल्ली से पतंग आई थी हमारी पप्पू भाई ने जी। अच्छा लड़ाना देखना, 50 पतंग भेजी थी ये इसकी। वसीम भाई, वसीम टूर्नामेंट पास है जी, टूर्नामेंट पास है। ये वाहिद भाई की पतंग, वाहिद की नहीं है, ये बरेली के अजीम है। ना ना ना, अच्छा अजीम की है जी, जी अजीम की। अच्छा बहुत बढ़िया पतंग है, बहुत बढ़िया पतंग। अच्छा ये रजी भाई के है, मुरादाबाद के। हाँ समझ गया, रईस भाई के भाई जी। ये राजा जी की, राजा भाई की, राजा भाई की। टूर्नामेंट में सब लड़ी पतंगे। अच्छा टूर्नामेंट में वो ये चेक करो, ये वाहिद है। ये हमारे भूरे भाई, सबसे अच्छी पतंग जो अभी हम लोग लड़ा रहे हैं समय लखनऊ में, सबसे अच्छी पतंग बन रही है भूरे भाई की, भूरे भाई की पतंग। अच्छा भूरा भाई, दोनों दिन हमने यही पतंग उड़ा के काटा। अच्छा जी भूरा भाई की पतंग है, लखनऊ वाले राधा। ये कहाँ के? ये बरेली के। अच्छा बरेली के हैं, बरेली की पतंगे भी देखी। अच्छी अच्छी मेकर जो है बरेली में भी है इस टाइम, जो पतंगे बना रहे हैं बढ़िया। ये राजा मुरादाबाद, हाथ पैर की जो पतंग है, पिंटू मेरठ, पिंटू मेरठ, पिंटू मेवाती अक्रम जी, हमारे जौनपुर की पतंग, जौनपुर। अच्छा जौ अक्रम भाई जौनपुर वाले जी जी जी, वली की पतंग है, वली भाई। ये असगर है, ये असगर की है? नहीं ये असगर नीचे, नीचे लगी है। नहीं ये नहीं, इसके नीचे असगर दिखाते हैं इनकी, एक मिनट फट ना जाए संभाल के। और नीचे इनकी रखी हुई है, दूसरा बैग भी भरा हुआ पूरा। ये असगर भाई रखा है, ये राजा भाई की है, ये रजी भाई की है मुरादाबाद की, रजी भाई की है। ये राजा, राजा यही बरेली लोकल। ये फाइम, फाइम ये हमारे संतोष भाई डिजाइनर है, पतंग बनाने में एक नंबर की पतंग, लखनऊ के जो जी। ये हम लोग बनवाए अपने नाम की, ए वर्ल्ड बना हुआ इसमें, ए भाई के नाम की है जी। ये रजी का गोल फरमा है। अच्छा ये मुबीन अख्तर, मुबीन भाई, ये भी आई मुबीन भाई, मुबीन भाई, वसीम टिकली जी, दामोदर। ये किसकी है? ये अच्छा ये कोलकाता की, कलकत्ता की अकबर की है? ना ना अकबर की नहीं, अफजल की है, अफजल जी, अफजल, अफजल की है। रजी भाई की राजा मुरादाबाद, ये राजा ही है पूरे सम्राट राजा, ये सम्राट की है। ये देखिए सम्राट की पतंग देखिए, आपको देखने में मजा आएगा। ये देखिए पुरानी पतंग है, पुरानी है ये, 300 कोरोना काल में हम गए थे मुरादाबाद तब लेके आए थे। अच्छा अच्छा बाकी अजगर भाई पतंगे रख पड़ी नीचे, संभाल के उड़ना यहाँ, पतंगे उड़ जाएंगी, उड़ जाएंगी। हाँ लगा लीजिए ये अजगर भाई, अजगर भाई। चलो चलो हो गया, चलो 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 अभी इनके पेज आ गए, पेज पे लड़ाने जा रहे हैं भाई, तो दिखाते पेज की वीडियो भी। संभाल के रखो पहले, उड़ जाइए। शफात नाम भाई, शफात ये रहा, ये लड़ा रहे थे अभी नीचे का पेज। कितनी पतंग गाड़ी? 5 गाड़ी। अच्छा 5 गाड़ी, छठे पे जो इनका घड़ी था पेज, पतंग खराब क्यों है? तो ये देखिए गाइस, ये पेज लड़ता हुआ नीचे से लेफ्ट साइड से जो है मुन्ना भाई जगह लेते, ऊपर से जो है रवि भाई का पेज है।
लखनऊ की टीम जो है वो राइट साइड में है और जो बरेली की टीम है पावरफुल वो है लेफ्ट साइड में। नीचे का पेज जो है बरेली की तरफ से मुन्ना भाई लेते हुए और बढ़िया पेज काट दिया है रवि भाई ने। पतंग उठ के आते हुए देखी पेड़ों के पास ही है पतंग, ये ताकत का पेज था। ये चलती हुई रवि भाई की पतंग, हवा बहुत शानदार है। और दूसरी पतंग जो है ये काट के जाती हुई पेड़ में जो है पतंगे बन जा रही हैं। ये देखिए हिलक के जाती हुई पेड़ों के पास से ही पतंग, कम से कम एक से डेढ़ किलोमीटर के रेंज में होंगे वो पेड़ जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और रवि भाई देखिए ये जाते हुए रवि भाई, एक बार ग्राउंड देख लिया आप। ये भाई शायद ये आते हुए देखिए ये लड़ा रहे थे मुन्ना भाई नीचे का पेज। बच्चे परेशान करते हैं यहाँ पर, जो है हाथों से जो है सद्दी तोड़ तोड़ के ले जाते ही जा रहे बच्चे तोड़ के। ये बच्चे देखते हुए और एक टीम जो है इधर और लड़ रही है बरेली की, ये पतंग छूट के जाती हुई। और दूसरी जो है अपोजिट में शायद मुरादाबाद है, मुरादाबाद की पतंग टीम ये रही। ये खड़े हुए हैं छोटू, बहुत बढ़िया पतंग उड़ाते हैं मंजे वाले भी उड़ाते हैं, मतलब ज्यादातर जो इनमें मंजे वाले ही हैं उड़ाने वाले, पावरफुल जो है मंजे वाले की टीम है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट पेज है नीचे से जो है शफात जगह लेता हुआ और ऊपर से जो है खन्ना जगह लेता हुआ बरेली की तरफ से खन्ना की पतंग। ये रही पेज सही हो रखा है, खन्ना जो है आसमान में ले गया पतंग अपनी। ये चलती हुई खन्ना की पतंग, शफात की पतंग ये रही नीचे लेफ्ट साइड में। आगे एक पतंग देखिए लगी हुई है, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाथ की तरफ बढ़ता हुआ देखिए खन्ना प्लेयर जो है पीछे हटता हुआ, खन्ना देखिए हाथ की तरफ लेके आता हुआ। काफी छोटा पेज चल लिया है। खन्ना की पतंग देखिए रही सामने, जो शफात है उसने पतंग अपनी खड़ी कर रखी है। खन्ना हाथ की तरफ चला, शफात ने खड़ा खींचा है और बढ़िया पेच काट दिया अंदर के रुख पे जो है शफात ने पतंग खींची थी। शफात ये रहा लड़का देखिए, काफी छोटा पेज हो गया था, तेरा जो था अच्छी खासी रेंज में था, लड़ाते लड़ाते छोटा कर लिया था पेज। खन्ना जो था हाथ की तरफ बढ़ के आ रहा था। तो ये देखिए आई था पतंग, ऊपर की पतंग जो है पावरफुल की तरफ से फैजान लड़ाता हुआ नीचे से वही शफात जगह लेता हुआ। हवा बहुत शानदार है, बेहतरीन हवा है पुरवाई में। शफात जो है बीच में लेके चला, उसने अंदर का रगड़ पतंग खींची थी देखिए, अब चला बाहर की तरफ। पतंग जो है शफात की खराब है, वो सॉरी जो फैजान है उसकी पतंग जो है खराब थी। और ये फैजान ने जो है पतंग काट दी शफात की। अल्ताफ का पेज लड़ता हुआ ऊपर से जो है अल्ताफ जगह लेते हुए, नीचे से याकूब जगह ले रहा है पावरफुल की तरफ से, ऊपर से अल्ताफ जगह लेता हुआ। अल्ताफ देखिए चलता हुआ, भारी पतंग है अल्ताफ की, छोटी करके लेके आता हुआ, चेहरे की तरफ पतंग लेके चलता हुआ याकूब भी। अल्ताफ जो है भारी पतंग है तो छोटा करके लड़ा रहा है अल्ताफ, 250-300 गज का मुश्किल से पेज होगा ये।
चल तो देखी अल्ताफ अंदर, फिर देखी झोल की तरफ लग गया तैयारी ली, डबल बनाने की कोशिश कर रहा, फंसाने की कोशिश कर रहा अल्ताफ, और पेज उतर गया है। अब फिर दोबारा देखिए याकूब, याकूब पतंग जो है अंदर की है, अंदर की खराब पतंग लग रही है याकूब की। काफी खराब पतंग है याकूब की। तो अब ये देखिए इधर भी दोबारा पतंग पेज लेते हुए याकूब की पतंग देखिए अंदर की, तब भी खिलाड़ी जो है लखनऊ का पता है से, उसके बावजूद भी जो है लड़ाने का मौका देता हुआ नीचे से याकूब को पतंग नहीं खिंचवाई थी अल्ताफ ने। पतंग याकूब का बहुत गंदा पतंग है, हवा भी अच्छी खासी तेज है, बढ़िया हवा है। चल तो वो देखिए याकूब अंदर की तरफ लेफ्ट साइड के नीचे से अल्ताफ देखिए लेके आया, भारी पतंग है अल्ताफ की, मिला के देखिए मारा अल्ताफ ने। और ये पेच जो है बढ़िया खड़ा मुड्डे पे खींची थी याकूब ने। भाई, भाई, भाई। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब ये नेक्स्ट पेज ये लड़ता हुआ ऊपर से जो है रवि भाई जगह लेते हुए, नीचे से वही याकूब जगह लेते हुआ थपथपाया, बढ़िया पेज काटा है, झोल पिला के जो है रवि भाई ने थपथपा के पेज काटा था, बहुत शानदार पेज काटा है रवि भाई ने ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब ये नेक्स्ट पेज जो है नीचे से आलम जगह लेते हुआ लखनऊ की तरफ से, और ऊपर से जो है फैजान जगह लेते हुए पावरफुल की तरफ से, पेज सही हो गया है। फैजान जो है पता अपनी उठा के लेके आ गया ऊपर, अब फिर देखी जगह लेते हुआ अल्ताफ नीचे से लखनऊ की तरफ से, चलते हुए देखिए अल्ताफ, और फैजान भी देखिए चेहरे की तरफ पीछे करता हुआ मारा, देखिए फैजान ने अंदर की डोरों पर रोका है, मगर बढ़िया पेच जो है पतंग ने, फैजान की पतंग ने बढ़िया जो है एंड टाइम पे कमानी की तरफ पतंग उतर गई थी, मारा था देखिए इसने कद्दा था, मगर पतंग जो है दादा मतलब थोड़ी बाहर की थी, तो जब कद्दा मारा जो तो पतंग जो है कमानी पर उतर गया, और बढ़िया पेच काट दिया है फैजान ने। पतंग चेक करवाई जा रही है देखिए, जो जिससे पेज काटा था तो उस पर हाथ लगवाया जा रहा, देखिए कुछ ज्यादा ही बाहर की पतंग लग रही है, कुछ ज्यादा ही बाहर की पतंग लग रही है। पतंग खराब है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब ये छोटू पावरफुल की तरफ से जगह लेते हुए, और नीचे से जो है रवि भाई को इन्हें मौका दिया है, क्योंकि रवि भाई ने जो है दो पतंगें काट दी थी ऊपर से, तो नीचे से बुलाया है रवि भाई को। रवि भाई की पतंग जो है काफी बड़े में है, छोटू चलते हुए हाथ की तरफ, रवि भाई भी देखिए बढ़ते हुए अंदर, काफी बड़ में पतंग लेके चलते हुए रवि भाई, छोटू ने ली तैयारी देखी यहाँ से मिलाई डोर, फिर उठा के अंदर की तरफ बढ़ते हुए छोटू, रवि भाई देखिए चेहरे की तरफ लेके चलते हुए भारी पतंग है रवि भाई का, छोटू हवा में ले गए पतंग अपना, रवि भाई भी देखिए आसमान में लेके आए, बचा के बचाते हुए देखिए छोटू काफी आसमान में लेके आ गए रवि भाई, देखिए मौका दे रहे रवि भाई मारने का, यहाँ मारा देखिए छोटू ने, और ये भी बढ़िया पेच काट दिया है इसी साथ रवि भाई ने, मौका दिया था मारने का जैसे ही इन्होंने मारा रवि भाई ने बाहर सपाट कर। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब ये नेक्स्ट पेज जो है ऊपर से याकूब लड़ा था, वो याकूब की पतंग ये रही, ये जल्दी हुई देखिए याकूब की पतंग, नीचे से वही रवि भाई जो है जगह लेते हुए दूसरे अंगा पेज जो है कंटिन्यू लड़ता हुआ नीचे से,
पतंग फिर शायद याकूब की खराब लग रही है मुझे, देखते हैं सही से। सही पतंग है याकूब की, पेज पे देखते हैं क्या कैसे जलती है, क्योंकि पेज पे जो है ताकत से इंसान हिटता है तभी पता चलता है पतंग में ऐप क्या है। ये अभी यही नहीं देखिए, मौका देते हुए याकूब छोटा करके लेके आता हुआ, कुछ ज्यादा ही बाहर की है याकूब की पतंग। थपथपाया देखी रवि भाई ने, ये भी बढ़िया पेज काट दिया है, फिर से पट मार आंदा जा रहा था रवि भाई ने, बस दो रुपये रख लिया था, अब बढ़िया पेज काटा है। तो ये देखिए पतंग बढ़ के आ गई, खन्ना जो है नीचे से जगह लेता हुआ, और सॉरी ऊपर से जगह लेते हुए खन्ना पावरफुल बरेली की तरफ से, और नीचे से जो है रवि भाई जगह लेते हुए। पेज देखिए ये लड़ता हुआ करीब 700 की रेंज में पेज लड़ता हुआ है, 600-700 की रेंज में करीब पेज लड़ता हुआ है। पेज सही हो गया है, नीचे से रवि भाई जगह लेते हुए दो पतंगे जो है नींद काट दी, अब तीसरा पेज कंटिन्यू कर दिए, और इस पतंग से जो है चार पतंगे काट रखी हैं रवि भाई ने, दो ऊपर से काटी थी फिर रोक के, फिर ये नीचे का मौका मिलता तो नीचे से दो काट दिए नींद। अब चलते हुए देखिए रवि भाई अंदर की तरफ, खन्ना जो है चेहरे की तरफ लेके आता हुआ पट चलते हुए देखिए, फिर और अंदर तिरछा करके रवि भाई बढ़ते हुए, खन्ना ने देखिए मुड्डा रखा है, मिलाई देखिए डबल का पेज बनाने की कोशिश करेगा खन्ना यहाँ पर, और बनाया देखिए यहाँ पर डबल, और पूरा पकड़ के खेत दिया है रवि भाई ने, बढ़िया पेज काटा है, ताकत का पेज लड़ाया रवि भाई ने। खन्ना जो है डबल का पेज बनाने चलाकी वाला लड़ाने की सोच रहा था, मगर रवि भाई ने पूरा सपाट पकड़ के खेत दिया था। अब जो है रवि भाई की पतंग चेक होती हुई देखिए, पतंग जो ज़्यादा भार की हो गई रवि भाई की, पतंग राउंड ही है रवि भाई का भी, पतंग खराब है रवि भाई का भी। तो ये देखिए गाइस, अभी नेक्स्ट पेज जो है सैफ नीचे का पेज लेते हुए छोटा पेज लड़ाया, ऊपर से जो है मुन्ना भाई जगह लेते हुए पावरफुल बरेली की तरफ से, पेज सही हो गया है। पतंगे जो है हवा बहुत तेज है, जो पतंगे कितनी भी सही कर ली है, पतंग खराब सी लग रही है जो सैफ की है, वो कुछ ज़्यादा ही भारी लग रही है मुझे पता ही है। सैफ चलते हुए देखिए अंदर की तरफ बढ़ते हुए सैफ, और मुन्ना भाई जो है अपनी पतंग हवा में ले गए हैं, हवा बहुत शानदार है पुरवाई में जो है, देखिए मुन्ना भाई चेहरे की तरफ चलते हुए फिर उठा के ले गए, मुन्ना भाई की पतंग शायद भारी है। अंदर की पतंग है जो मुन्ना भाई की, फिर उठा के ले गए हैं मुन्ना भाई अपना पतंग, छोटा पेज लड़ता हुआ मुश्किल से 200-250 गज का पेज लड़ता होगा ये, मुन्ना भाई फिर उठा के आसमान में ले गए, आसमान में बुला रहे हैं सैफ को मुन्ना भाई, और सैफ जो इनको जमीन पे बुला रहे हैं। अच्छी खासी हाइट है यहाँ पर भी देखिए, जगह है मानने की, मगर और आसमान में बुलाते हुए मुन्ना भाई देखिए। बहुत छोटा पेज हो गया ये, चलते हुए देखिए तैयारी ली, फिर छोटा मुड्डा करके सैफ नीचे लेके आए, चलते हुए देखिए फिर काफी देर हो गई इसको, मतलब काफी टाइम हो गया इस पेज को, 2 मिनट से ज्यादा हो गए, फिर चलते हुए देखिए मुन्ना भाई काफी अंदर हाथ की तरफ बढ़ के आ गए हैं। सैफ जो है पतंग देखिए, सैफ की जो है खराब सी लग रही है, ज्यादा बाहर का गिर रही पतंग, तैयारी ली देखी सैफ ने, खड़ा खींचा सैफ ने, और बढ़िया पेज काटा है सैफ ने, चक्कर ही काट दिए सामने वाली टीम को, पतंग देखिए गिर रही थी मगर जब खींची तो सीधी खींच के आई, और बढ़िया पेज काटा है सैफ ने इसके साथ। और मुन्ना भाई की ये जाती हुई देखिए पतंग, पेड़ों से बहुत पीछे है, पट्टीदार पकड़ ली गई है देखिए बच्चों ने, जो ये बच्चे हैं इन्हीं ने पकड़ी है पतंग, लाल टी शर्ट में जो है वो छीनने आता वो लड़का भागते हुए जो है, ये आती
गुलाबी पट्टीदार। तो ये देखिए अभी नेक्स्ट पेज ये फिर आ जाता है, ऊपर से जो शफात जगह लेता है वो नीचे से जो है फरमान जगह लेता है वो थोड़ा रेंज में पेज लड़ रहा है, 600-700 की रेंज में पेज सही हो गया है। फरमान देखिए अंदर पड़ता हुआ शफात जो है अपने आसमान में पतंग लगाए। शफात देखिए बीच में लेके चलते हुए जगह दे रहे हैं फरमान को आने का। फरमान देखिए तिरछा करके काफी अंदर बढ़ के आ गया है। शफात ने जगह ली देखी यहाँ से, निकलते हुए मारा देखिए शफात ने, और उसने गिरते हुए मनाया, बढ़िया पेच काट दिया है, बहुत बढ़िया कमानी पतंग अंदर की कमानी में जो सॉरी बाहर की कमानी पतंग उतारी थी फरमान ने, बढ़िया पेच काटा है पतंगे ये लड़ते हुए पेच। सॉरी देखिए ऊपर से जो आलम ने जगह ली है, देखिए तैयारी ली आलम ने यहाँ से, मारा देखिए गद्दा आलम ने, बढ़िया पेच काटा है आलम ने, कमानी में पतंग उतार रहे थे फरमान। तो ये देखिए गाइस अभी नेक्स्ट पेज लड़ता हुआ ऊपर से जो मुमीन भाई जगह लेते हुए नीचे से जो है आलम जगह लेते हुए, आलम ने अभी एक पेज काटा था ऊपर से तो नीचे का पेज फेरते हुए आलम चलते हुए देखिए मुमीन भाई चेहरे की तरफ चलते हुए लेके पतंग अपना, पेज सही नहीं हुआ है मगर जो ऊपर का खिलाड़ी था उसने तैयारी ले ली थी। पे सही हो गया है, चल तो देखिए खिलाड़ी ऊपर वाला चेहरे की तरफ लेके आ रहा है, भारी पतंगे शायद फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर वाले आलम। चल तो देखिए फिर वो मुबीन भाई देखिए नोरों पे रखा देखिए दोनों ने, और बढ़िया पेच काट दिया है आलम ने, थपका दिया था लास्ट में ले जाके, बढ़िया पेच काटा है आलम ने। अब ये देखिए छोटू लेंगे ऊपर का पेच, देखते हैं छोटू क्या करते हैं, पैर में चोट लगी है छोटू के, बढ़िया खिलाड़ी हैं मंजे वाले हैं ये सब। तो ये देखिए गाइस ऊपर का पेज जो है छोटू लेते हुए नीचे से वही आलम चलते हुए मोमिन देखिए चेहरे की तरफ लेके आए, अब बढ़िया डोर फेंकी थी मगर उससे ही बढ़िया पेज काट दिया है आलम ने, छोटू ने डोर फेंक के डबल बनाने की कोशिश कर रहे थे, बढ़िया पेज काटा है आलम ने छोटू का ये। तो ये देखिए गाइस अभी ऊपर का पेज जो है खन्ना लेते हुए अपनी टीम की पावरफुल की टीम तरफ से, और नीचे से वही आलम जगह लेते हुए, आलम ने शायद तीन पतंगे काट रखी है, एक नीचे से दो ऊपर सॉरी एक ऊपर से दो नीचे से, पेज सही हो गया है, पेज जो है रेंज में ही लड़ा अच्छा खासा। चल तो वो देखिए आलम अंदर की तरफ, खन्ना जो है चेहरे की तरफ पतंग लेके चलता हुआ अपना, देखिए चेहरा ही के पास ही लेके आता हुआ खन्ना अंदर की तरफ, कमानी पे पतंग उतारी थी खन्ना ने, दो रुपये रखा है आलम ने, और बढ़िया थपक के पेच फिर काट दिया है आलम ने, इसी के साथ ही चार पतंगे काट दी हैं अपनी इस पतंग से आलम ने। आलम देखिए ये लड़ा रहा है आलम नीचे का पेच, डोर देखिए इसकी ये चलती हुई, तो ये देखिए आलम की पतंग ये आती हुई, और ऊपर का पेच जो है याकूब लेगा, याकूब की पतंग ये चलती हुई पावरफुल की तरफ से, चार पतंगे जो हैं आलम ने काट रखी हैं लखनऊ की तरफ से, ऊपर का पेज अब याकूब लेने आया है पावरफुल की तरफ से, पेज जो है अच्छा रेंज में लड़ा है, 500-600 की रेंज में रहता हुआ पेज ये आलम देखिए चलता हुआ अंदर की तरफ, अंदर पतंग लेके आया लते हुए, याकूब देखिए लेके आया गर्दन की तरफ, फिर झूठा मुड्डा करके आलम ने नीचे लेके आया था, अब देखिए चेहरे की तरफ लेके आया आलम ने, अब फिर खड़ा खींचा देखिए आलम ने, और बढ़िया पेच एक और काट दिया है आलम ने, बढ़िया पेच काटा है, पांच पतंगे शायद आलम ने अपनी इस पतंग से काट दिए। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज जो है आलम जगह लेते हुए छठे पेज के लिए, और ऊपर से जो है
मुन्ना भाई जगह लेते हुए पावरफुल की तरफ से आलन देखी, तिरछा करके काफी अंदर बढ़ गया। हवा जो है पूर्व भाई पे उल्टे हाथ पे है इस टाइम, काफी अंदर बढ़ के आ गया। देखिए काफी अंदर बढ़ के आ गया है, देखिए आलम छठे पेज पे और मुन्ना भाई जो है चेहरे की तरफ लेके चलते हुए अपना पतंग। आलम मुन्ना भाई ने मारा गद्दा और ये भी आलम खींच के ले गया, बढ़िया पेज काटा है मुन्ना भाई। तो आलम ने छह पतंगे अपनी पूरी कर ली इसी के साथ। तो ये देखिए गाइस, अब ये सत्य का पेज जो है नीचे से आलम लेता हुआ और ऊपर से जो है फरमान जगह लेता हुआ सत्य का पेज रोकने आया फरमान पावरफुल की तरफ से। नीचे आलम चलते हुआ तिरछा करके काफी अंदर बढ़ते, हवा जो है पुरवाई उल्टे हाथ पे इस टाइम सत्य का पेज पे। देखिए फरमान क्या करते हैं, रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे सत्य का पेज। ये आलम का काफी पर्दे रखी है आलम ने, आसमान दे रखा है। देखिए चेहरे की तरफ पतंग लेके आते हुए आलम मारा, देखिए फरमान ने अंदर खींची है और बढ़िया खूबसूरत पेज काटा है आलम ने इसी के साथ और सत्ता पूरा कर लिया अपनी टीम की तरफ से। ये रहा है आलम जो लड़ा रहे थे, नीचे का पेज छह नीचे से काटी और एक ऊपर से काटी, बढ़िया पेज काटा है आलम ने। तो अभी देखिएगा इधर नीचे का नेक्स्ट पेज जो है अल्ताफ जगह लेता हुआ लखनऊ की तरफ से और ऊपर से जो है खन्ना जगह लेता हुआ। यंग बाबा लड़ रही ना अपनी, यंग लड़ रही है लखनऊ की जो है यंग की तरफ से अल्ताफ जगह लेता हुआ नीचे का और ऊपर से जो है खन्ना जगह लेता हुआ बरेली पावरफुल की तरफ से। यंग वर्सेस पावर काफी तेजा करके देखिए अल्ताफ अंदर आ गया। खन्ना देखिए आप अंदर की तरफ रखा खन्ना ने और अंदर के रगड़ में पतंग देखिए कमानी पतंग उतारी है खन्ना ने और ये भी अल्ताफ झटकों पे रख लिया था, बढ़िया पेच काटा है अल्ताफ ने। क्या हो गया टिकट कितने हैं आपके पास? टिकट अभी हमारे पास 15 टिकट। अच्छा 15 टिकट है और टाइम अभी 4:15 करीब होता होगा। 15 टिकट भी काटा है आलम ने। हाँ आलम ने एक सत्ता काट दिया और 15 टिकट है अभी इनके पास। ये वाले जी खड़े हुए हैं अपने पावरफुल के खिलाड़ी जो हैं। तो अभी देखिएगा इस नेक्स्ट पेज जो है ऊपर की पावरफुल की तरफ से छोटू लेते हुए और नीचे से भाई अल्ताफ जगह लेते हुए यंग की तरफ से, यंग लखनऊ की तरफ से। बंदा टिकट है अभी इनके पास लखनऊ वालों के पास, देख रहे हैं फाइट होगी नहीं होगी इस गेम में, क्या 15 पर्चे जो हैं पावरफुल अपने वापस ले पाएगा नहीं ले पाएगा। वीडियो पूरी देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब जगह ली अल्ताफ ने, दी जगह निकलते हुए मारा देखिए और अंदर का रगड़ा मारा था तपा दिया था, बढ़िया पिच काटा है छोटू ने। पतंग जो है देख लिया था जो छोटू थे पावरफुल खिलाड़ी, देखा जब अंदर की रगड़ पे पतंग खींची है तो छोटू ने जो है झटके मार दिए थे, बढ़िया पिच काटा है छोटू ने इसी के साथ। और नीचे बुलाते हुए आलम को, तो ये देखिए गाइस अभी नेक्स्ट पेज जो है छोटू वर्सेस आलम का लड़ता हुआ, ऊपर से आलम जगह लेते हुए अपने सत्य वाली पतंग लेके आए आलम और नीचे से जो है छोटू जगह लेते हुए। छोटू ने अभी एक पेज काटा था तो वही पतंग लेके आए नीचे से और पेज सही हो गया है। आलम जो है अपनी पतंग आसमान में लेके आया, छोटू भी देखिए पतंग आसमान में देते हुए। आलम देखिए अब चेहरे की तरफ लेके आए, फिर उठा के ले गए आलम पतंग अपना हवा में और शायद छोटा करके मारने की कोशिश करेंगे आलम। छोटू ने काफी आसमान में लेके आ गए देखिए, चलतू देखिए आलम बाहर की तरफ मिलाई देखिए और गद्दा मारा देखिए, संडोर फेंकी है आलम ने, छोटू ने थपथपाया और बढ़िया बेहतरीन पेच काटा है छोटू ने। ये डोर फेंकी थी, ये औंधा जा रहे थे तो छोटू ने जो है बस डोर फेंक दी थी और बढ़िया पेच काट दिया थी के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट पेज जो है रवि भाई ऊपर से जगह लेते हुए नीचे से छोटू अपना पतंग लेके आए हैं, पेज सही हो गया है। रवि भाई ने ली देखिए यहाँ पर तैयारी, पेज जो है 700 की रेंज में रहता हुआ करीब 600-700 की रेंज में तैयारी लेते हुए, देखिए रवि भाई निकलते हुए बंद नाते हुए
और छोटू ने देखिए अंदर के रगड़ पे पतंग खींची, रवि भाई भी थपथपाते हुए, पड़िया पे छोटू ने फिर काट दिया, खड़े मुड्डे पे पतंग थपथपाई थी, बढ़िया पेज काटा थी गीता छोटू ने, तीन पतंग ही काट दी अपनी इस पतंग से। तो ये देखिए गाइस अभी नेक्स्ट पेज जो है ऊपर से शफात जगह लेते हुए, नीचे से जो है छोटू जगह लेते हुए, शायद तीन या चार पतंगे छोटू ने जो अपनी इस पतंग से काट दिए हैं। कंटिन्यू करते हुए छोटू पावरफुल की तरफ से फाइट करते हुए छोटू अपने टीम के लिए, शफात देखिए चलते हुए अंदर की तरफ, मौका दिया है देखिए छोटू ने, शफात ने मारा फिर पतंग उठा के लेके आया शफात, काफी बड़ में है शफात की पतंग देखिए, ये है चलती हुई शफात की ऊपर वाली पतंग जो है शफात की है। और छोटू देखिए फिर अंदर बढ़ते हुए अंदर जगह लेते हुए, पेज जो है काफी अच्छी रेंज में लड़ रहा है, 600 से 700 की रेंज में लड़ता हुआ करीब ये पेज। शफात चलते हुए देखिए अंदर की तरफ, फिर देखिए छोटू ने मौका दिया है शफात को, छोटू ने खड़ी करी डोर देखिए, और थपथपाते हुए छोटू आंदा जा रहे हैं देखिए शफात, और बढ़िया पेच काट दिया है शफात ने, थपथपा दिया था जब देखा छोटू की पतंग जो है सीधी जो डोर है सीधी है बिल्कुल, तो शफात ने बिल्कुल खड़ा करके थपथपा दिया था डोर काट दिए शफात ने। अभी देखिए गाइस शफात जो है नीचे का पेच लेता हुआ अपनी वही पतंग लेके गया जिससे इसने अभी ऊपर से पतंग काटी थी, और ऊपर से जो है पावरफुल के खिलाड़ी जगह लेते हुए, पेज जो है रेंज में ही लड़ रहा है 600 से 700 की रेंज में, पेज सही हो गया देखिए। शफात चलते हुए अंदर की तरफ, ऊपर वाले खिलाड़ी जो है आसमान में पतंग लेके चलते हुए अपना, और पतंग जो है छोटा करते हुए ऊपर वाले खिलाड़ी जो है पावरफुल के खिलाड़ी जो है अभी आए थे, शफात जो है रेंज में ही पतंग है शफात की, ऊपर वाले खिलाड़ी देखिए चेहरे की तरफ बढ़ता हुआ खूबी तेजी से, तैयारी देखिए ऊपर के खिलाड़ी ने पावरफुल के, शफात ने झूठा मोटा करके फिर अंदर बढ़ा, और डोर लग गई है देखिए, पेच काट दिया है, घेर लिया था इन्हीं ने, बढ़िया पेच काट दिया है सीधा इन्हीं ने। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये पेच, और नीचे से जो है रवि भाई जगह लेते हुए, शाम का टाइम है करीब 5:30 बजते हुए, ऊपर से जो है मुमीन भाई जगह लेते हुए पावरफुल की तरफ से, नीचे से रवि भाई ने पतंग काट रखी है, और जो लखनऊ है उसके बाद जो है करीब 23 से 24 पर्चे जो है पावरफुल के इस टाइम, रवि भाई जो है भारी पतंग बन गया है छोटा करके मोविन भाई लेके आते हुए, मेरे सर के ऊपर ही डोर है देखिए, चलते हुए मोविन भाई अंदर, और रवि भाई जो है अपना पतंग जो है आगे निकाल के ही लड़ाते हुए, छोटा नहीं करते हुए मोविन भाई देखिए छोटा करके लेके आते हुए, काफी झोल दे रखा है जो रवि भाई ने देखिए अपने कल का बनाते हुए, मोविन भाई यहाँ से डबल बनाने की सोच रहे हैं मोविन भाई, फिर उठा के ले गए मोविन भाई तलवार की तरह जो है, रवि भाई ने पतंग खड़ी कर रखी है, निकले बाहर की तरफ नींद अंदर की खींची है रवि भाई ने, और शायद ये डबल का पेच बना, और पेच उतर गया है देखिए, फिर देखिए जगह देते हुए मोविन भाई, फिर देखिए रवि भाई ने खड़े कर लिए, चले बाहर की तरफ, बढ़िया फिर देखिए झोल जो है ले गए पूरा समेट गए मोविन भाई। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट पेज जो है नीचे से खन्ना जगह लेते हुए अपनी टीम के लिए, और ऊपर से जो है सैफ जगह लेते हुए जिससे सत्ता मारा था सैफ ने, वही पतंग लेके गए सैफ अपने,
सही हो गया सैफ, लेके चल तू देखी ऊपर से तैयारी ली सैफ ने, बाहर का मुंडा खींचा देखिए मारा बाहर का, ताकत वाला पेज देखिए, और एक और पेज काट दिया है सैफ ने इसी के साथ, अपनी इस पतंग से जो है 8 पतंगे काट दी हैं। तो ये देखिए गाइस अभी हवा जो है पहाड़ी आ गई है, और नीचे का पेज जो है अलदाव लेते हुए ऊपर से मुमीन जी ने गद्दा मतलब ऊपर से पतंग काटी थी वही जगह लेते हुए मुमीन ऊपर से, मुमीन ने लिए देखी तैयारी, चले भागी इधर मुमीन, अलदाव ने भी बाहर का खींचा है ताकत का पेज, अलदाव ने ये भी काट दिया है इसी के साथ। ये देख लो भैया कितने टिकट है अपने पास भाई, अभी तो 25 टिकट है, 25 टिकट है, और गेम जो है अब 5:30 बजे इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि जाना भी है, निकलना भी है, और रिजल्ट इसका कुछ निकलना है नहीं, मतलब रिजल्ट निकलने का मतलब ये एक तरफा ही गेम चल रहा है जी जी, समझे फाइट होनी नहीं, मतलब एक तरह कहने फाइट होती तो गेम लड़ाया भी जाए, एक तरफा चल रहा है, तो इस चक्कर में जो गेम जल्दी बंद करके दोनों की सहमति से जल्दी बंद करके जो है निकलना है, इनको जाना है पार्टी में, जो अभी लोकल का टूर्नामेंट हुआ था एकाना में उसकी पार्टी है, बाहुबली इनवाइटेड है, ये बहुअली की टीम ने जो इनको बुलाया, 25 टिकटों से गेम हो गया, कौन लोकल का जैसे कोई मतलब प्रदेश का नंबर बताओ अपना, लोकल हो चाहे प्रदेश हो कोई भी टीम गिनती करना हो, नंबर है 7275292999। अच्छा जी आलम लखनऊ 23 है, 24% जो भी है, मतलब नहीं, दो लेने अरे मतलब वो नहीं है कहने का, मतलब ये वो नहीं है कहने का, ये है कि गेम जो है गेम जो है एक तरफा चल रहा ना है जी, 24% भाई 20 प्लस समझ लो जी, और गेम जो है अब यहीं पर ही 5:30 बजे बंद कर लिया, दोनों की सहमति थे, ये भी सही टाइम से कर लेंगे और वो भी, और हम भी सही टाइम से कर लेंगे क्योंकि रिजल्ट इसका एक तरफा ही जा रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप भी सब्सक्राइब तो कर दीजिए, आप भी कर लेना। हाँ मैं तो करता हूँ, तीनों दिन जो है प्लस में रहा है, तीनों दिन जो है जीता है, दो दिन जो थी वो बढ़िया फाइट लड़ी दोनों टीमों, एक भाई ये रहा इन्हीं ने सत्ता मारा है नीचे से, और एक भाई ये रहा इन्हीं ने सत्ता मारा है, दो सत्ते में लगाए और एक तरफा गेम कर दिया, फाइट आई नहीं है, हमने सोची फाइट होगी तो मजा आएगा। ये रहा देखिए हिरन, और एक वो काला जाता हुआ उधर, ये देखो भाई ये रहा है हिरन सामने, मैदान देख, हाँ निकल रहे हैं शाम को, तभी तो शाम को आपकी पार्टी में पहुंच पाएंगे, तो अभी आ जाएंगे, बाई ट्रेन नहीं है कार से आए अपनी, ये देखिए जाते हुए हिरन आप अंदर झाड़ियों में, कुत्ते आ गए हैं, हाँ 4 घंटे में आ जाएंगे, ये देखिए कुत्ते आ गए हैं, तो इस चक्कर में जो है हिरन जो है अंदर चले जा रहा है, ये देखिए हिरनों का झुंड है यहाँ पर, ये फतेहगंज के मैदान में